हेलो, नमस्ते एवरीवन. माय नेम इज अंजलि पांचाल एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी एमबीबीएस जस्ट लाइक यू. इफ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कंसीडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज आई मेक वीडियोस दैट मेक योर बीएस डिग्री इजी एंड एंजॉयबल. हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आईआईटी एमबीएस डिग्री के क्वालिफायर फेज के बारे में. सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या और कैसे कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, आपके क्वालिफायर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मच मोर. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड चेक द वीडियो हियर. और अगर आपको इस डिग्री से रिलेटेड एडमिशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में या कुछ और भी डिटेल जाननी है तो आप नीचे दी हुई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हमारी आज की वीडियो टोटली डेडिकेटेड होने वाली है आने वाले क्वालिफायर एग्जाम. उस क्वालिफायर एग्जाम का टफनेस लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितना टाइम मिलता है आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए, एंड क्वालिफायर की पूरी प्रोसेस फ्रॉम चेकिंग टू गिविंग द एग्जाम्स एंड कमिंग बैक होम, फाइंडिंग योर आंसर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड मच मोर. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दी, पढ़ना भी शुरू कर दिया, असाइनमेंट्स भी आप लोग टाइम से सबमिट कर रहे हो, बट आप लोग क्वालिफायर के लिए एलिजिबल हो या नहीं, इसके लिए आईआईटी हमने एक क्राइटेरिया सेट किया. और वो क्राइटेरिया है आपके फर्स्ट 2 वीक्स में असाइनमेंट के मार्क्स का जो एवरेज है वो 40 या 40 से ज्यादा होना चाहिए. और ये 40 मार्क्स का जो कट ऑफ है दैट इज नॉट सेम फॉर ऑल, ये आपकी कैटेगरी वाइज डिफर करेगा. और जो भी आपका मिनिमम कट ऑफ है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते. सो अब आप लोग क्वालिफायर के लिए तो एलिजिबल हो गए हो. इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद आपकी आएगी हॉल टिकट, और हॉल टिकट आपकी आएगी एग्जाम सिटीज एंड हॉल टिकट्स वाली टैब में. यहाँ पे आपको आपकी हॉल टिकट मिलेगी, साइड में एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहां से आप लोग आपकी होल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. और ये आपके एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आती है. तो इसके बाद देखते हैं आपके क्वालिफायर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है. क्वालिफायर एग्जाम इन टोटल 200 मार्क्स का होता है. इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए पर सब्जेक्ट 1 घंटा, दैट मीन्स 4 घंटे मिलते हैं इन टोटल. और ये जो 1 घंटे का स्लॉट है ये ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट सिर्फ 1 ही घंटे के लिए दिखेगा, नहीं, आपको पूरे 4 के 4 घंटे आपके चारों सब्जेक्ट दिखेंगे. आपको जब भी कंफर्टेबल हो आप तब वो सॉल्व कर सकते हो. और जैसे मैंने बताया ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, दैट मीन्स आपके 4 सब्जेक्ट के लिए 50-50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्वालिफायर एग्जाम में. मैथ्स में आपके जनरली 12 to 14 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश में आपके 25 to 27 क्वेश्चन, सीटी में 15 to 16 क्वेश्चन एंड स्टैट्स में अगेन 12 to 14 क्वेश्चन. क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स थोड़े टफर लेवल पे, इसीलिए उनके जो क्वेश्चन हैं वो नंबर में कम होते हैं लेकिन उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं. सो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से मैथ्स और स्टैट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना. और इंग्लिश के लिए आपके 25 क्वेश्चन हैं, दैट मीन्स आपके इजी इजी क्वेश्चन होंगे तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो और वो बचा हुआ टाइम आप मैथ्स और स्टैट्स के लिए यूज कर सकते हो. अब अगर मैं बात करूं क्वालिफायर एग्जाम के टफनेस लेवल की, जो आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, सो जो क्वालिफायर एग्जाम का टफनेस लेवल है अगर मैं उसे 2 चीजों के साथ कंपेयर करूं, दैट इज आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स है एंड एक जो आपका जेई का एग्जाम है, सो इसकी जो डिफिकल्टी है वो दोनों के बीच में कहीं रहने वाली है. ना ये इतना इजी है जितने आपके बोर्ड के एग्जाम्स थे, ना ये इतना डिफिकल्ट है जितना आपका जेई का एग्जाम था. सो इसका जो टफनेस लेवल है वो कहीं इन बिटवीन लाई करने वाला है इन दोनों के. और ये भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है अगर आप लोग जो मैंने स्टडी पैटर्न बताया है, जो कि आपके लेक्चर्स देख के, आपके एक्टिविटी क्वेश्चंस करके, देन आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट, ये सब करके अगर आप फिर अपना क्वालिफायर एग्जाम देंगे जिसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी प्रैक्टिस किया है, तो ये एग्जाम आपके लिए उतना ही ईजी होगा सॉल्व करना. इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिफायर प्रोसेस. क्वालिफायर प्रोसेस में सबसे पहले तो जब आपको आपकी हॉल टिकट मिलेगी उसका सैंपल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ऐसी कुछ आपकी हॉल टिकट रहने वाली है. उसमें आप सबसे पहले तो अपना सेंटर देख लो, आपका सेंटर कहाँ पे है,
और उसे आप एक बार गूगल मैप्स पे चेक कर सकते हो कि आपके घर से कितना पास है, कितना दूर है। इसके बाद आप अपनी हॉल टिकट कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करा सकते हो। सेंटर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपकी होगी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग में आपको चाहिए आपका फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया और आपकी हॉल टिकट। ये दोनों जब आपके पास है तो आपको अंदर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपकी होगी चेकिंग। चेकिंग की जो प्रोसेस है उसके डूज एंड डोंट्स की हम लोग वीडियो के लेटर स्टेज में बात करने वाले हैं। उसके बाद आपकी चेकिंग होने के बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपकी सीट कौन सी है, आपका जो सिस्टम नंबर है वो कौन सा, आप अपनी सीट पे जाके बैठो। जब भी एग्जाम शुरू होगा उससे पहले वो लोग आपको आपका पासवर्ड बता देंगे। पासवर्ड से आपको पोर्टल पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे वो आपको अच्छे से पढ़ने, साइन इन करना है एंड आपका एग्जाम शुरू करना है। और ये एग्जाम करेक्ट आपके उसी टाइम पे शुरू होगा जब आपका क्वालिफायर एग्जाम शुरू होने का टाइम है। अगर आपका शाम का स्लॉट है तो अब ये 2 बजे शुरू होगा, और अगर सुबह का स्लॉट है तो ये 9 बजे शुरू होगा। इसके बाद जो आपका एग्जाम पोर्टल है उसमें आपके लेफ्ट साइड में होंगे आपके क्वेश्चंस और राइट साइड में होंगे आपके क्वेश्चन नंबर्स। बॉटम राइट में आपको मिलेगा सबमिट बटन, जो कि आपके एग्जाम शुरू होने के 1.5 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। दैट मींस आप एग्जाम शुरू होने के 1.5 घंटे तक आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते हो, जब तक आपका एग्जाम सबमिट नहीं हो जाता है। अगर सपोज आपका 4 घंटे से पहले एग्जाम खत्म हो गया तो सबमिट बटन आने के बाद आप अपनी सीट छोड़ सकते हो, उससे पहले आप अपनी सीट छोड़ के नहीं जा सकते हो। दैट मीन्स आप अपना एग्जाम सबमिट बटन आने तक सबमिट नहीं कर सकते। जब हम हॉल टिकट के फर्स्ट पेज के नीचे देखते हैं तो आपको मिलेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस। आपके एग्जाम की स्मूथ चेकिंग प्रोसेस के लिए आपको इन सारे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है ड्रेस कोड, जिसमें आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल अटायर में आना पड़ेगा। उसके बाद अगर एग्जाम सेंटर पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो भी IITM का एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है आप उससे बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपके हॉल टिकट दिखाना होगा, इसके साथ आपका ओरिजिनल प्रिंटेड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे कि आपका मैंने पहले ही बताया आपका पैन कार्ड है, कॉलेज आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, आधार कार्ड है। वैसे तो आधार कार्ड हर जगह काम कर ही जाता है, तो आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं। देन आपका जो कैंडिडेट का जो फोटो और जो साइन है वो अच्छे से विजिबल होने चाहिए, तभी आपका जो हॉल टिकट है वो वैलिड माना जाता है। इसके लिए आप जो हॉल टिकट है वो A4 साइज पे ही प्रिंट कराओ। इसके बाद है कि आपका जो एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम है, अगर आपका 2 बजे का एग्जाम है तो आपको 1 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, ताकि आपकी जितनी भी ये प्रोसेस है चेकिंग की वो बहुत आराम से हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप वो टाइमली सॉल्व करके 2 बजे अपना एग्जाम करने बैठ जाओ। और जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम की डेडलाइन है दैट इज 2:30 फॉर 2 बजे वाला एग्जाम एंड 9:30 फॉर 9 बजे वाला एग्जाम। उसके बाद जब आप सेकंड पेज पे जाओगे तो आपके वही बेसिक डिटेल्स हैं कि आपके एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सबमिट बटन कितने बजे आएगा, गेट क्लोजर टाइमिंग क्या है, और उसके बाद इनका वही आप क्या परमिटेड है क्या नॉट परमिटेड है। तो सबसे पहले आपका जो परमिटेड है वो आप अपनी व्हीकल की कीज अंदर लेके जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कीज आर नॉट अलाउड। उसके बाद जो नॉट परमिटेड है वो है आपकी एनालॉग स्मार्ट डिजिटल प्रोग्रामेबल वॉच, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है आपकी सबसे पहली आपकी वॉचेस अलाउड नहीं है ड्यूरिंग आपका एग्जाम। उसके लिए आपको आपके एग्जाम के टॉप राइट कॉर्नर में आपको 2:40 का एक टाइमर दिखेगा। 2:40 यानी 4 आवर्स, तो 4 घंटे का आपको उल्टा टाइमर दिखेगा जिसमें आपको आपका टाइम का अंदाजा हो जाएगा, तो आपको घड़ी की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आप लोग अपने वॉलेट्स नहीं लेके आ सकते, मोबाइल फोन्स, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स, पेजर, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्रिंटेड ब्लैक एंड व्हाइट हैंड रिटन पेपर, ये सब आप लोग पढ़ लेना। बेसिकली ये है कि आप लोग आपका हॉल टिकट, आपका डॉक्यूमेंट, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं लेके जा सकते। आपकी वॉचेस अलाउड नहीं है। आप एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप पानी ले जा सकते हैं। आपका कोई भी पेपर अलाउड नहीं है। तो जो भी आप लोग रफ वर्क करोगे उसके लिए आपको एग्जाम के अंदर ही आपको रफ शीट मिल जाएगी। आपका जो पेन है जो आप लेके जा रहे हो सॉल्व करने के लिए, वो भी अगर आप प्रेफर कर सकते हो कि आप ट्रांसपेरेंट जो पेन्स होते हैं वो लेके जाओ, तो दैट इज वेल एंड गुड। आपको English 1 के लिए वायर्ड ईयरफोन्स या वायर्ड हेडफोन्स लेके जा सकते हो,
आप लोग ब्लूटूथ वाले कोई डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते. देन आई एम नॉट श्योर कि ये हर जगह प्रॉब्लम होती है या नहीं, बट जो दिल्ली वाले टेस्ट सेंटर्स हैं वहां पे आपको बेल्ट्स भी अलाउड नहीं है. अगर आप बेल्ट लगा के जाओगे तो वो भी आपको बाहर ही रखने करेगा. तो दीज वर सम डूज एंड डोंट्स ऑफ द चेकिंग प्रोसेस. आप अच्छे से जो आपका हॉल टिकट है उसके पीछे वाली आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या अलाउड है क्या नहीं है. एंड वन मोर थिंग, कैलकुलेटर्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड. जो कैलकुलेटर है वो भी आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ही होगा. जो आप लोग आपका कैलकुलेटर आइकन होगा आपके टॉप राइट में, वहां पे आप लोकेट कर सकते हो उसे क्लिक करके. तो इसके बाद आपका क्वालिफायर का एग्जाम खत्म हो गया, आप अपने घर आ गए. तो उसके बाद क्या, उसके 1 या 2 दिन बाद सबसे पहले आएगी आपकी आंसर की, जो आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड सेक्शन में. वहां से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने क्वेश्चन गलत है. आप देन उसके 3 से 4 दिन के बाद आएगी आपकी आंसर ट्रांसक्रिप्ट. ये वो है जो भी आपने एग्जाम में आपके आंसर टिक किए हैं, ये उसकी ट्रांसक्रिप्ट है. इससे आप अपने जो आंसर की आई है उससे अपने आंसर टैली कर सकते हैं, अपने मार्क्स देन अगेन काउंट कर सकते हैं. इसके बाद जब आप लोग क्वालिफायर की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, मार्क्स की जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आपकी कैटेगरी वाइज क्या आपकी पर सब्जेक्ट की कट ऑफ है और आपकी क्या टोटल कट ऑफ है. अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40% इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में एंड इन टोटल भी 40% मार्क्स लेके आने जरूरी है आपका, तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो. और जो आपका जो क्वालिफायर का स्कोर है दैट इज वैलिड फॉर 3 सब्सिक्वेंट टर्म्स. सपोज आप लोगों ने सितंबर 2024 में आपका एग्जाम क्लियर किया है, तो आपके जो क्वालिफायर का स्कोर है वो सितंबर 2024 वाली टर्म, जनवरी 2025 वाली टर्म, मई 2025 वाली टर्म के लिए वैलिड होगा अगर आपने क्वालिफायर क्लियर किया है. सपोज आपका क्वालिफायर क्लियर नहीं होता तो आपको रीअटेम्प्ट क्वालिफायर देना होगा जो 1 महीने बाद होता है. तो उसके लिए IITM के अकॉर्डिंग जो आपकी सबसे पहली असाइनमेंट की जो एलिजिबिलिटी है दैट इज आपकी जो फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ असाइनमेंट है उसमें से बेस्ट 2 का जो एवरेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन जो भी आपकी कट ऑफ थी, जो जनरल कैटेगरी के लिए 40 थी एंड बाकी सबके लिए जो स्क्रीन पे दिखाई थी वो थी. अगर आपका एवरेज जो कट ऑफ है उससे ज्यादा है तो आपको रीअटेम्प्ट का मौका मिलेगा विद इन द सेम टर्म, जिसके लिए आपको जनरल कैटेगरी से हो अगर तो 1500, और अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको कितनी फी पे करनी है. देन आपका जो 4 वीक्स के बाद फिर से क्वालिफायर होगा उसका भी सारा सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला. आपका जो सिलेबस है वो भी सेम ही रहने वाला है, तो आपका रीअटेम्प्ट ऐसे होगा. सो हां जी, दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अगर आपको फिर भी क्वालिफायर से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जितना हो सकता है आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी. एंड गाइस सॉरी कि मैं इंस्टाग्राम पे आपका रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, बट आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं कि मेरा इंस्टाग्राम खुलना ही बंद हो गया है. तो कुछ ऐसी हालत है मेरे इंस्टाग्राम की कि खुल ही नहीं रहा है. सो जब तक मेरे इंस्टाग्राम का DM खुलते नहीं है तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द क्वालिफायर एग्जाम. एंड कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो वी विल ट्राई अगेन. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.